हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में दुर्ग के शहीद चौक से हिंदू युवा मंच की बैनर तले शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें उपस्थित हनुमान भक्तों ने जयकारे लगाए। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हिंदू युवा मंच द्वारा दुर्ग के शहीद चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा शहीद चौक से प्रारंभ होकर अग्रसेन चौक, पोलसाईपारा चौक, इंदिरा मार्केट होते हुए पुराना बस स्टैंड पर पहुंची। ये शोभा यात्रा में रथ पर सवार राम सीता की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिनके साथ हजारों की संख्या में हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए पुराना बस स्टैंड तक पहुंचे। ये शोभा यात्रा धर्म सभा में तब्दील हुई और राम भक्त हनुमान की भव्य आरती व रामलला के जयकारे के साथ संपन्न हुई। वहीं समापन स्थल पर दुर्ग सांसद विजय बघेल भी विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर निकाली गई शोभा यात्रा की सभी को बधाइयां दी एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा के निकाले जाने का उद्देश्य बताते हुए हिंदू युवा मंच के संयोजक ने कहा कि वे इस धार्मिक आयोजन के माध्यम से युवाओं को संगठित कर धर्म की राह पर चलने को अग्रसर कर रहे हैं। इस संबंध में न्यूज़ टीम को दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित मंच के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हिंदू युवा मंच के द्वारा अपनी धार्मिक भावना, धार्मिक श्रद्धा को लेके हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़कर दूसरे ढंग से जिन युवा संगठनों में काम किया है, आज उसी के नेतृत्व में हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हर साल निकलने वाला ये शोभा यात्रा फिर से एक बार अपने वही रंग में, वही जोशीले अंदाज में और भव्यता भरे वातावरण नजारे हैं वो सब देख रहे हैं और हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वीरों के वीर हैं, महावीर हैं, उनका आशीर्वाद युवा साथियों का हमेशा मिलता रहे और ये आयोजन वर्षों तक चलता रहे, ताकि हमारा हिंदुत्व एक साथ संगठित होके इस विश्व के शिखर पर हिंदुस्तान को पहुंचाने में सक्षम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर युवा मंच परिवार ने आज पूरे शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली है। ये शोभा यात्रा पिछले 13 वर्ष से निरंतर चली आ रही है। कोविड के कारण पिछले 2 वर्ष से कोविड के नियमों का सम्मान करते हुए युवा मंच ने ये रैली नहीं निकाली थी, परंतु इस बार के उत्साह से, पिछले बार के जो 2 बार से ये रैली नहीं निकल रही थी, उसका उत्साह जो है इस बार दुगुना था और दुर्ग के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोग इस रैली को समर्थन दिए हैं और इसमें सम्मिलित होकर हिंदुत्व का, हिंदू समाज का और एक संदेश दिया गया है कि हिंदू समाज को एक रहने की जरूरत है और हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सभी समाज एकजुट होकर आज ये रैली निकाले रैली का समर्थन किया था और उनके आशीर्वाद से ये रैली का शुभारंभ हुआ था। हिंदू समाज जागरूकता लाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य आज ये 13 साल के करीब हो गया, हम हर साल भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं अपने शहर के दूर शहर के बीचों में। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम हिंदू जितने भी जो भी हो सके वो करें, हमारे समाज में जो अच्छाई है उसको लोगों तक पहुँचाएँ, जो हमारे युवा वर्ग किसी भी कारण से किसी गलत कार्य में ना पड़े, वो राम के अध्यात्म की ओर आए। इस उद्देश्य से हम यह हर साल आयोजन करते हैं और आप देखते हैं कि लगभग मेरा अनुमान है कि 20,000 से लोग कम नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन और ये निरंतर चलता रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।